इसलिए मैंने ये जो है ना छापर वाला काम रखा हुआ है, छापर चढ़ा के ना पंप पे। डर दी बे चेन उसने पाइप लगा दी, अभी देखते हैं कितने का आता है। टैंकी फुल करवा रहा हूँ। और दमाम से जो न्योम सिटी का किराया है ना वो तकरीबन अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका आज के व्लॉग में। मैं अभी पहुंच चुका हूं यम्बो सिटी में। ये न्योम से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर था जिधर मैंने कल शाम को गाड़ी खाली की है। कुछ सफ़र जो है ना वो शाम को कर लिया था, रात को कुछ छबी किया है। अभी दिन के 12 हो गए हैं तो इधर पहुँचा हूँ। आज 9 बजे सुबह मेरा लोड इधर से कन्फर्म हो गया था रियाज का। अभी पहुँच चुका हूँ इधर कंपनी में, तो जाके सिक्योरिटी को बताता हूँ गाड़ी बाहर आ गई है, क्या तरतीब है अपलोडिंग के। अभी जाता हूँ सिक्योरिटी वाले के पास। बंदे से लोड कन्फर्म किया था, वो कह रहा था कि सेफ्टी शूज़ वगैरह पहन के अंदर जाना, लेकिन जहाँ से यार सेफ्टी वगैरह पहन के अंदर जाना पड़े ना, मुझे बहुत एलर्जी है उस चीज़ में। आपको बताता हूँ क्यों। ये जैकेट की तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सेफ्टी शूज़ है ना मैं आपको दिखाता हूँ, उनसे मुझे बहुत एलर्जी है। मेरे पास जो सेफ्टी शूज़ है ना वो ये लॉन्ग है, दूसरे नहीं है, शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग शूट में लॉन्ग शूज़ है मेरे पास। तो ये पहनने में जो है ना बहुत मुश्किल होती है, नंगे पाँव पहनने में बहुत मुश्किल होती है। तो जराबे वगैरह पहन के जो पहन सकते हैं, लेकिन जराबे भी जो है ना 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो गंदी हो जाती है, तो फिर उसको धोने का मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ये जो है ना छापर वाला काम रखा हुआ है, छापर चढ़ा के ना पाँव पे, तो फिर बड़ी ईजी जो है ना पहन लेता हूँ। वैसे बड़ी मुश्किल होती है, जितनी देर पहनने हैं छापर ऊपर चढ़ा के तो शूज पहन लें, जब आगे उतारें तो छापर उतार के फेंक दें, शूज अंदर रख लें। फिर दूसरे शूज हैं वो जो है ना महंगे मिलते हैं, तकरीबन 70-80 रियाल के मिलते हैं, अभी वो लेके क्या करना है, 70-80 रियाल जरूर लगाने हैं। 70-80 रियाल लगाने से बेहतर नहीं है कि बंदा ये छापर इस्तेमाल करे। अभी जा रहा हूँ सिक्योरिटी वाले के पास, देखता हूँ क्या कहता है। हाँ जी दोस्तों, अभी गाड़ी अंदर ले आया हूँ, अभी घंटा हो गया इंतज़ार कर रहा हूँ, उनको ब्रेक हुई हुई थी, लेकिन अभी जो है लोड करने लगे हैं, वो सामान लेके आ रहा है, ये सामान लोड करेगा। इधर जो है ना फोटोग्राफी उन्होंने ममनू की हुई है, अलो नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा बाहर की। ये पता नहीं फॉर्म है कोई, फॉर्म पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फॉर्म के रूल बने हुए हैं। अभी लोडिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, एक का टाइम हो गया। हाँ जी दोस्तों, गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है, वो सामने गाड़ी खड़ी करके आया हूँ। पेपर मिलने का भी टाइम था, तो ये वॉशरूम एक मिला है। इधर जो है ना मेरा दिल है शावर ले लेता हूँ, काफ़ 3-4 दिन हो गए हैं, जगह नहीं थी मिल रही, मेरा दिल है शावर ले लूँ, ये तो काम ख़त्म होना। हम अपने जो है ना 10 मिनट भी जो है ना वो ज़ाया नहीं करते। अभी एक पेपर बनाने वाला बोल रहा था कि 10 मिनट गाड़ी में वेट करो, तो मैं पेपर बना के तुम्हें कॉल करूँगा। तो ऊपर से अच्छा काम ये हो गया कि मुझे इधर नहाने की जगह मिल गई है, वॉशरूम था साफ था, मैंने चलो ये काम तो ख़त्म करें। तो वो अभी नहा धो के आ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, अभी 2-3 दिन जो है ना अभी गुजर जाएंगे। पहले 4-5 दिन हो गए हुए थे, बस यही ढूंढ रहा था कहीं पे मुझे जगह मिले नहाने के लिए, ये काम तो ख़त्म करूँ। हाँ जी दोस्तों, अभी गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है, लेकिन अभी इधर ही मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आ रहे हैं उधर से, उन्होंने भी आज न्योम सिटी में गाड़ी खाली करनी है। वो कह रहे थे मैं रात को 1-2 बजे आ जाऊंगा, तो मुझे ना उन्होंने लोड बुक किया है अपना यम्बो की सी पोर्ट से, तो उधर उनकी जो है ना परमिट नहीं बन रहा था, तो मेरी गाड़ी को उन्होंने परमिट बनवा के तो बोला है कि तुम इधर ही रुको, जब मैं आऊँगा तो फिर मेरा ट्रेलर लेके जाना अंदर अपनी गाड़ी के साथ जोड़ के, तो लोड करवा के तो फिर ला के मुझे दे देना। अभी कह रहे हैं कि रुको शाम तक मैं चेक करता हूँ, अगर मेरी गाड़ी टाइम से खाली होगी मैं 1-2 बजे तक पहुँच सकता हुआ उधर, तो फिर रुकना 2 बजे जो जब मैं आऊँगा तो मेरी गाड़ी लोड करवा के लेके आनी है अंदर से सी पोर्ट के अंदर से। रियाज इधर से जो है ना तकरीबन 1050 किलोमीटर है, यम्बो से 200 किलोमीटर मदीना पाक है, उससे आगे जो है ना तकरीबन 850 किलोमीटर रियाज है। हाँ जी दोस्तों, मैं तो आज काफ़ी खुश हुआ था कि आज हल्का लोड मिला, सिर्फ 4-5 टन वजन है, तो बड़े मज़े से जाऊँगा। लेकिन भाई कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ 3-4 बजे तक पहुँचूंगा, फिर सी पोर्ट से मेरे वाला ट्रला तुम लोड करके रियाज ले आना, मैं तुम्हारे वाला ले जाता हूँ। तो अभी इधर सनाइया में हूँ, यानी इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, तो सिटी एरिया में ममनू है शायद, इधर यम्बो सिटी में मैं बहुत कम आता हूँ, तो अभी ट्रेला उधर जा भी नहीं सकता, भूख लगी हुई थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ है,
फिर ऑनलाइन ही मंगवा लिया है अलबैक, जो सऊदी अरब का मशहूर फास्ट फूड है, वो अभी आ रहा है मेरे ख्याल से 8:30 का टाइम दिया हुआ उन्होंने। हाँ जी, वो ऑर्डर लेके हमारा आ गया, ये सामने गाड़ी में खड़ा है, अभी जाता हूँ उसके पास जाकर ले लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अभी वो सामान तो मुझे दे गया अलबैक खाने के लिए, लेकिन ये एक हिस्सेदार आ गई है हमारी, बड़ी ना प्यार से म्याऊं म्याऊं कर रही है, मुझे लगता है इसको भूख लगी हुई है। मेरे पास दूध पड़ा हुआ था ये, लेकिन ख़राब हो गया यार, इसके लिए क्या मैं इधर से कुछ निकाल के देता हूँ उसको। एक उसका भी हिस्सा भाई हक बनता है, उसको भी नीचे जाके खिला के आता हूँ। आ गया आ गया, ये हो गया, किसे गई है, डर के भाग गई है कहीं पे, कहीं बुलाना होगा। आ गई आ गई आ गई, डर ना है ले, पता नहीं खांदी है कि नहीं। ला जा, मैं तेन की आना पा, डर दी बे गरम लगा के लड़ दी वे इन्हें चंगा तमाशा बनाया, हूँ की करिए, और कोई चीज भी कोई नहीं है, बिस्कुट है ना, मैं वो लैके आना। अभी मैं इधर आ गया हूँ तो लगी हुई है उसके साथ ही, मेरे ख्याल से गर्म भी है, उसको ना थोड़ा ठंडा करके देता हूँ। बिस्किट पड़े हुए हैं मेरे पास, अरे आ जा रानी इधर बुझा, तुम डर नहीं है भाई। आ जा आ जा आ जा, काफ़ी दिनों को मैंने ले कर रखे हुए हैं, लगता है इसके नसीब के थे कि मैंने नहीं खाए। ए फड़, भुखों लगी है बेचारी, आवाज नहीं निकलती भाई, लेकिन वो यार लग गई हूँ। पहले डरती ही पी, हूँ वही खान लग पी है, इन करना बिस्कुट इतने रख देना, खा ही लेगी मेरा ख्याल की आते। ऐसे ही रख देता हूँ ना, खा लेके आके, पहले वो खा ले फिर ये खा लेके आके। चल हूँ इजाजत दे सानू भी, साढ़ा अलबैग ठंडा हो जाना, बाय बाय। सऊदी अरब वालों के लिए ये अलबैग भी एक नेमत ही है, समझ लें, बहुत अच्छा है यार, इनका भी टेस्ट है, बहुत फेवरेट फास्ट फूड है ये सऊदी अरब में रहने वालों के, जो है ना सबसे फेवरेट फास्ट फूड में से ये पहले नंबर पे है अलबैक। हाँ जी दोस्तों, आज तो हैंड ही हो गया मेरे नाल, मैं तकरीबन 2-3 बजे का लोड करके तो इतने इंतजार कर रहा हाँ बाई का, सी पोर्ट चो उन्होंने गड्डी लोड करनी सी, लेकिन हूँ कह रहे हैं एक होर कोई लोड मिल गया तो तू चला जा, टाइम 8:30 हो गए ने, 2 बजे तक खड़ोता मैं इतने, टाइम जाया ही होया मेरा, ना सुता वा ना सफ़र किया, हूँ निकलने इतों, दिना पाक इत 200 किलोमीटर है, तो दिना पाक क्रॉस करके हूँ सवाने, जोड़ा भी टाइम हो गया कोई नहीं मुश्किल जी। अभी रात के 12:15 हो चुके हैं और मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ मदीना पाक में। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जब मैंने कसीम से ये टैंकी फुल करवाई थी, अभी देखें बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई है, कसीम से टैंकी फुल कराई थी, ये नीचे वाला है ना 2623 किलोमीटर, ये उस वक्त थी तकरीबन 680 किलोमीटर पे,
उसके बाद मैं गया हूँ जी कसीम से नियोम सिटी, नियोम सिटी से आया हूँ यम्बो, यम्बो से अभी मदीना पाक। तो कसीम से तकरीबन नियोम सिटी जो है ना 1300 किलोमीटर जो है ना वो मैं गया हूँ 24 टन वजन डाल के, 1300 किलोमीटर ऑलमोस्ट। उसके बाद 550 किलोमीटर यम्बो आया हूँ, वो खाली आया हूँ, और यम्बो से 200 किलोमीटर इधर मदीना पाक में आया हूँ, वो 3-4 टन वजन है वो भी खाली समझ लें। यानी 1300 किलोमीटर जो सफ़र मैंने किया है वो 24 टन वजन डाल के किया है, और 700 किलोमीटर जो है ना वो ऐसे समझ लें जैसे खाली किया है। तो अभी डीजल लगा दिया मशीन, उसने पाइप लगा दी, अभी देखते हैं कितने का आता है। टैंकी फुल करवा रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट पे रेड निशान पे पहुँची हुई थी, अभी देखते हैं कितने का आता है। 608 लीटर, हाँ शिपका ले आओ भाई, 608 लीटर डीजल डला और 700 रियाल का आया। टैंकी जो है ना वो फुल हो गई है 700 रियाल का, 2000 का। ओके हाँ दोस्तों, 2000 किलोमीटर चली है और 608 लीटर डीजल लगा और 700 रियाल का आया। अभी भी मुझे तकरीबन आइडिया था कि 700 रियाल के राउंड बाउंड आएगा, वही बात हुई है, पूरे 700 रियाल का जो है ना लग गया डीजल 2000 किलोमीटर का। कसीम से मैंने टैंकी जो है ना वो फुल करवाई थी। और अगर बात करें टोटल ट्रिप की दमाम से, तो दमाम से जो है ना मैंने दमाम से 70 किलोमीटर बाहर निकल के फुल करवाई थी, उसके बाद आगे कसीम से फुल करवाई। कसीम में जो डीज़ल आया था वो 240 रियाल का आया था, ठीक है, कसीम से 240 रियाल का वो आ गया और 700 रियाल का ये, यानी 940 रियाल का टोटल आ गया, टोटल 2624 किलोमीटर। ये दमाम से मैं थोड़ा 20-30 किलोमीटर आगे आके 0-0 किया था, यानी 2650 किलोमीटर ट्रिप का ना टोटल डीजल लग गया मेरा 940 रियाल का। और दमाम से जो नियोम सिटी का किराया है ना वो तकरीबन 3500 रियाल से लेके, तो समझ ले 4000 रियाल तक मिल जाता है ड्राइवर को, जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं। कंपनियों का जो किराया ना वो 4500 प्लस होता है नियोम सिटी का, उनका आइडिया नहीं है, वो 5000 भी हो सकता है, कोई पता नहीं कितना होता है, लेकिन वो कंपनियों को मिलता है, ड्राइवर को नहीं मिलता। बाकी अभी मैं मदीना पाक से निकल रहा हूँ, तो मदीना पाक से निकल के आगे जहाँ भी पार्किंग मिलेगी उधर ही सो जाऊँगा, बाकी का सफ़र सुबह उठ के करूँगा। और मुझे दो भाइयों के कमेंट भी आए हुए हैं, एक भाई ने पूछा था कि खाने का क्या हिसाब है, कितना खर्चा आ जाता है खाने में, और दूसरा कमेंट आया था मुझे भाई ने पूछा था कि आप लोड वगैरह कैसे उठाते हैं, कहां से लेते हैं। दो सवालों के जो आंसर है मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा, और कल सुबह इंशाल्लाह जब सफ़र स्टार्ट करेंगे तो फिर अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। अस्सलाम वालेकुम।